हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा रेडमी नोट 4 का अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाते हो, लॉक खोल नहीं पाते हो, तो इसको हार्ड रीसेट कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो ये नोट 4 है। तो आप लोगों के साथ में भी अगर लॉक स्क्रीन का प्रॉब्लम है या आप लोग भूल गए हो तो क्या करना है, पहले मोबाइल को कर देना है ऑफ़। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑफ़। ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को जो पावर बटन है और वॉल्यूम प्लस वाला बटन है तो इसको प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे लाइट आने के बाद ही आप लोगों को ये पावर बटन से हाथ हटा लेना है। जो वॉल्यूम प्लस वाला बटन है उसमें हाथ रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमोट का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। तो इसके बाद ही आप जो दूसरा वाला फिंगर वॉल्यूम प्लस बटन पे लगा है तो उसको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वाइट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिमोट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, नीचे वाला है कॉन्टैक्ट विथ MI असिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को वाइप डाटा करना है जो वॉल्यूम प्लस बटन और माइनस बटन से ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस बटन दबा देना है। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वाइप डाटा। तो इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को पावर बटन को प्रेस करके ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइप ऑल डाटा, तो यहाँ पर इसको भी ओके कर देना है पावर बटन को दबा के। तो यहाँ पर करने के बाद में यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए आप लोगों को ये जो नीचे लाना होगा, तो डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे डिस्प्ले काम नहीं करते, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए आप लोगों को पावर वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ओके करने के लिए पावर बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो डाटा वाइप सक्सेसफुली। तो यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है बैक जाने के लिए। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे मेन मेनू पे जो रिपोर्ट का ऑप्शन है तो इसको ओके करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों का स्क्रीन लॉक जो तोड़ना है तो इसके लिए आप लोगों को पहले वाइप डाटा का क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जितना डाटा है वाइप डाटा करना पड़ेगा, इसके बाद में आप रिपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो रिपोर्ट करने के लिए आप लोगों को पावर बटन पे ओके कर देना है। यहाँ पे मैं कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्ट टू सिस्टम, यहाँ पे नीचे है बैक टू मेन मेनू। तो मेन मेनू में जाने के लिए नीचे वाला है। तो रिपोर्ट टू सिस्टम करने के लिए आप लोगों को पावर बटन को ओके प्रेस करना होगा, पावर बटन मतलब ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी वाइट करना होगा। यहाँ पे MI का लोगो आ गया। अभी जो रिपोर्ट होना चालू हो जाएगा, जितना डाटा है आप लोगों का डिलीट हो जाएगा, लॉक स्क्रीन भी खुल जाएगा। तो आप लोगों को अभी वाइट करना है थोड़ी देर। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, होने के बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जितना रिपोर्ट होना था हो गया, पूरा डाटा डिलीट हो गया। अभी आ रहा है यहाँ पे लाइफ गेट्स इजियर MI UI 11, इसको ओके करना है। तो ओके करने के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज सोर्स करना है, तो इसको भी ओके करना है। यहाँ पे रीजन से जो सोर्स करना है इंडिया, तो इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेने के बाद में आ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये सेटअप करने के बाद में आपका मोबाइल का लॉक भी टूट जाएगा, मोबाइल फ्रेश होके आ जाएगा। तो आप इसके बाद में सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से, लॉक भी लगा सकते हो, बाकी जितना काम है कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो सोर्स कीबोर्ड, कीबोर्ड स्विफ्ट कीबोर्ड है, यहाँ पर इसको भी ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे कनेक्ट टू नेटवर्क, तो यहाँ पे करना है स्किप, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है आई हैव रीड एंड एग्री, तो इसको टिक लगा देना है। लगाने के बाद में यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे ऑफिस से आप लोगों को क्या करना है, ओके करना है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो सेटअप योर रेडमी नोट 4, तो इसको भी ओके करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेटअप योर रेडमी नोट 4। तो इसके बाद में यहाँ पे कीप एप्स, जो इसको करना है एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, फिनिश लेटर। इसके बाद में यहाँ पे लॉक स्क्रीन का आ जाएगा ऑप्शन, तो इसको कर देना है स्किप, ठीक है। इसको करने के बाद में यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स, तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो सो सेट थीम, आप थीम कौन सा रखना चाहते हो तो सेट करके यहाँ पर ओके कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो यू आर रेडी टू रॉक, तो उसको भी ओके कर देना है। तो अभी आपका लॉक वगैरह टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रिपोर्ट हो गया। फिर मीट गेट एप्स का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ओके कर देना है, गॉट इट। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉक वगैरह हट गया, ठीक है। तो इसे ही आप लोग भी कर सकते हो अपना रेडमी नोट 4 का हार्ड रिसेट। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।